नमस्कार, मैं अदिति शर्मा आप सभी का दूरदर्शन किसान चैनल पर स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं और आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो मौजूदा समय की मांग को देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और उनके ये कदम सफलता की राह को बहुत ही आसान बना रहे हैं। जी हाँ, आज के जो हमारे सफल किसान हैं वो न केवल पशुपालन बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ही बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। तो फिर आइए आज के हमारे सफल किसान से मिलने के लिए रुख करते हैं त्रिपुरा का। ये है कांति दास जी जो इस समय पशुपालन के क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी सफलता है शुकर पालन, एक खूबसूरत सा फार्म जिसके चारों तरफ हरियाली, खुला आसमान और साथ ही एक तालाब भी है। इस माहौल में पलने वाले पशु सेहतमंद और जल्दी विकास करते हैं। हम फार्म को अंदर से देखें, इसके पहले आइए जानते हैं इसके शुरू होने की कहानी। कहते हैं ना कि हर असफलता का रास्ता सफलता पर पहुंचकर ही पूरा होता है। शुकर पालन में हाथ आजमाइश के लिए कांति दास ने अपने दो और मित्रों का सहयोग लिया। साल 2010 में अपने सपनों को साकार करने के लिए मित्रों की इन तिकड़ी ने शुकर पालन का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उनका ये पिग फार्म जल्द ही बंद करना पड़ा। शुरुआती असफलता का मुख्य कारण जानकारी का अभाव था, जिस वजह से तीनों को काफी घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन यहीं से कांतिदास ने सुधार की संभावनाओं को तलाश किया और इस बार मैदान में अकेले उतरे। इस बार शुरुआत 7 शुक्रों से की, लेकिन शुक्र की जल्दी बढ़ती तादाद ने उम्मीद बढ़ाई और धीरे धीरे उनका ये सफर और सुखद अनुभव में बदलता गया। वो बताते हैं कि 7 शुक्रों से वर्तमान समय में पहुँचने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी सबल दिया। मैं 2010 में तीन लोगों के साथ पार्टनर मिलकर पिग फार्म शुरू किया था, लेकिन हमारा कुछ गलती के कारण से एक वर्ष के बाद मेरा फार्म क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने फैसला लिया था अकेला फार्म करने के लिए फैसला लिया। तो 2017 फरवरी में मैं अकेला 7 पिग्स के साथ पिग फार्म शुरू किया था। तो उस 2017 के बाद पिगरी का देख रहा था, मार्केट में बहुत ही डिमांड है, इसलिए मैं TGB से 3 लाख रुपया CC लाया था। CC ला के और कुछ मैं मेरा पिग फार्म का इनकम के साथ जुड़ के मैं 40 पिग हुआ था 2017 लास्ट में। क्या वाकई शुकर पालन मुनाफेदार व्यवसाय है? हमारे सफल किसान कांति दास के पास वापस चलने से पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं, जान लेते हैं शुकर पालन के बारे में और साथ ही ये भी जानते हैं कि हमारे देश भारत में इस व्यवसाय के क्या मायने हैं। पिछले कुछ सालों में मांस उत्पादन में शुकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है, लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शुकर पालन मुनाफे का व्यवसाय साबित हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना। यदि सही तरीकों से शुकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि शुकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। अच्छी बात ये है कि करीब एक साल में ही इससे मुनाफा होने लगता है। कृषि के साथ यदि शुकर पालन भी किया जाए तो लाभ कई गुना किया जा सकता है। ये बाकी पशुओं से काफी सस्ता और सुलभ है। शुकर पालन की कुछ खास बातों पर नजर डालें तो अन्य पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत। अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है। मादा शुकर हर 6 माह में बच्चों को जन्म देती है। 2 माह तक माँ का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं। बच्चा करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेता है। हमारे देश में शुकर की देसी व संकर दोनों नस्लें पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर पशुपालक संकर नस्लों का चुनाव करते हैं। संकर नस्लों में सफेद यॉर्कशायर, लैंड रेस, हैम्पशायर, ड्यूरॉक, बर्कशायर मुख्य है।
पशुपालक अपने स्थान विशेष के हिसाब से नस्ले का चुनाव कर सकते हैं। इस तरह से ये व्यवसाय बेहद तेजी से विकास करता है, जिससे पशुपालकों को महज एक साल बाद ही अच्छी आय मिलने लगती है। मौजूदा समय में मांस की पूर्ति के अलावा शुगर की चर्बी कई क्षेत्रों में काम आ रही है। तो शुगर पालन पर अभी हम सभी ने एक विशेष रिपोर्ट देखी। आइए अब रुख करते हैं हमारे सफल किसान कांति दास के शुगर फार्म का। पशुपालन को फायदे का सौदा बनाने के लिए स्थान का चुनाव काफी अहम होता है, जिसका सीधा असर पशु की सेहत पर पड़ता है। कांति दास जी के शुगर फार्म में शुक्रों के रहने की अच्छी व्यवस्था है, जिसमें एक बड़े से हॉल में शुक्रों के लिए अलग अलग चैम्बर बने हैं, जिसमें दिन में कम से कम दो बार साफ सफाई की जाती है। इतना ही नहीं, शुक्रों के आहार पर भी खासा ध्यान दिया जाता है, जिससे वो तेजी से विकास करे, बाजार भेजने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको शुगर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी देंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब फिर से रुक करते हैं हमारे सफल किसान कांति दास के शुगर फार्म का और देखते हैं कि पशु स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने किस तरह के इंतजाम कर रखे हैं। आइए रुक करते हैं उनके शुगर फार्म का। शुगर पालन कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, लेकिन पशुपालन में मिलने वाला मुनाफा कभी कभी नुकसान में भी बदल जाता है। अगर हम पशु में होने वाली बीमारियों को नजरअंदाज करते हैं, तो उन बीमारियों का हमारे जीवन में और आसपास भी असर होता है। इसीलिए समय समय पर शुकर के स्वास्थ्य की जांच कराएं। शुक्रों को मुख्य रूप से स्वाइन फ्लू, खुरपका मुंहपका, शुगर चेचक, गला घोटू जैसी बीमारियों से सुरक्षा देनी चाहिए और समय से टीकाकरण करवाना चाहिए। इनके अलावा शुक्रों के बच्चों में बीमारियों की रोकथाम का खास ध्यान रखना चाहिए। बच्चों में खास तौर पर पिगलेट एनीमिया, पैचेस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिनका असर पशुपालक और उपभोक्ता पर भी पड़ता है। ऐसे में जैव सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। इसके लिए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी शुगर में बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो रोगी पशु को बाकी पशुओं से बीमार पशु को अलग कर देना चाहिए। इससे शुक्रों में रोग संचरण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही समय रहते पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, ताकि उचित कदम उठाए जा सके। इसीलिए सफल पशुपालक कांति दास जी ने अपने फार्म में ही उचित दवाओं की व्यवस्था कर रखी है, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि केंद्र सरकार की योजनाएं पशु स्वास्थ्य नियंत्रण के लिए अहम कदम उठा रही हैं। कांति दास जी अपने फार्म पर केवल शुगर पालन ही नहीं करते, बल्कि साथ ही वो मुर्गी और टर्की भी पालते हैं, जिससे मुनाफे को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। कांति दास के फार्म में एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर शुगर पालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुर्गी, टर्की और कड़कनाथ पालन भी किया जा रहा है। उनका ये फार्म एक तरह से इंटीग्रेटेड फार्म है, जहां एक साथ कई तरह के काम संपन्न किए जा रहे हैं। इनसे होने वाले मुनाफे की बात करें, तो केवल शुगर पालन से कांति दास हर माह 5 लाख रुपए, सालाना करीब 60 लाख रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा अंडे और चिकन से सालाना 5 लाख तक का मुनाफा हो जाता है। अपने काम को सहज और सुचारू रूप से चलाने के लिए कांति दास जी ने कुछ लोगों को रोजगार दे रखा है, जिससे दोनों का जीवन सवर रहा है। एक मुर्गी है, कड़कनाथ, टर्की, लेयर और देसी बोलता है, जो हमारे यहाँ पे देसी सब कुछ है। कड़कनाथ है 1000,
लेयर है 500 और देसी है 200 और कड़कनाथ भी 50 ऐसा ही है अभी। और डाक भी है करीब 450 डाक है मेरे पास। मैं चाहता हूँ इस फिगरी फार्म में मेरा युवा भाइयों को आह्वान करता हूँ जो इस काज करने के लिए, लेकिन इसलिए कर रहा था ये आह्वान कर रहा था। मैं 2017 में जिस टाइम पे फीक काम शुरू किया था उस टाइम मेरा हिसाब किया था एक फीक से ईयरली 30,000 से ज़्यादा प्रॉफिट है। तो सब हिसाब मिल हिसाब छोड़ के एक्सपेंडिचर छोड़ के एक्सपेंडिचर मतलब एक फीक के वन ईयर में 40,000 खाना पीना मेडिसिन और लेबर एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। तो एक साल में एक फीक पहले साल फीक 8 से 10 फीगलेट होता है, इसके सेकेंड ईयर में 16 से 20 फीगलेट्स ये जन्म देता है। तो एक फीगलेट 6,000 के करके 20 फीगलेट 1,20,000 सेल होता है। तो मान लीजिए फीड का एक्सपेंडिचर एक मादा के लिए और फीगलेट के लिए और मेडिसिन और लेबर के लिए 50,000 भी जाने के बाद भी और चार बच्चा कम भी हो जाए तो भी 40 से 50,000 प्रॉफिट होता है एक पीक के साथ। तो मेरा जो अभी 250 मादा है ऐसे करीब मेरा मिनिमम हर महीने 5 लाख से ज़्यादा इनकम होता है मिनिमम, तो ईयरली 60 लाख ऐसा ही आता है। तो इसलिए मैं पहले फिशरी का प्लान किया था। कांतिदास जी के फार्म पर एक तालाब भी है जिसमें वो सफलतापूर्वक मछली पालन भी कर रहे हैं। ज्यादातर किसान व पशुपालक खेत और फार्म का बेहतर इस्तेमाल करने के इरादे से इंटीग्रेटेड तकनीक को अपनाते हैं जिससे हर हिस्से का प्रयोग हो सके। कांतिदास जी भी अपने फार्म के तालाब में मछली पालन करते हैं। इनके भोजन के लिए शुकर के अपशिष्ट का उपयोग हो जाता है, साथ ही तालाब के आसपास फलों के पेड़ भी लगाए गए हैं। अमरूद और नींबू वर्गीय फलों से भी कुछ आय हो जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक पंथ कई काज के साथ कांतिदास जी एक समय में कई जरियों से आय ले रहे हैं। जो पीक का जो हम ऑयस्ट है ऑयस्ट को पीक के साथ या फिशरी के खाना हो जाएगा, इसलिए फिशरी का खर्च बहुत ही कम है। मैं इसलिए प्लान किया था 100 कानी फिशरी करने के लिए। मेरा इस फीक का जो ऑयस्ट है उसको वहाँ पे यूज़ करूँगा, यूज़ करके साइंटिफिक वर्ग और ये मेडिसिन देकर अच्छा से फिश भी हो जाता है, मछली भी बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे फीक का जो ऑयस्ट है। तो मैं प्लान किया था एक साल में फीक के जो ऑयस्ट देकर फिशरी 100 का निकल लूँगा, उसके बाद फिशरी से मैं ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाएगा। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको कांतिदास जी की आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सफल किसान कांतिदास का और चलते हैं त्रिपुरा की ओर। पशुपालन के क्षेत्र में सुखद परिणाम ले चुके कांतिदास जी का सफर अभी थमा नहीं है बल्कि वो अपने इस व्यवसाय को और विस्तार देना चाहते हैं। इसके लिए वो एक बार फिर नाबार्ड से मदद लेंगे
वो आने वाले 2 सालों में इनकम को सालाना 1 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रयास तेज कर दिए हैं। नाबार्ड के तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम आया था, वैसे 28 लाख 28 लाख 25,000 लोन लाया, तो यह से सब्सिडी भी मिला था। यह भी सुदीप मुंदर का बहुत ही हेल्प किया था हमको। तो उसके बाद फार्म भरा करने के लिए मेरा और भी इच्छा है। तो 2000 का अच्छा चल रहा था, लेकिन कोरोना के समय में मार्केट बहुत ही ख़राब हो गया। और भी त्रिपुरा में बाहर से इंडियन जो शुगर भी आ रहा है, इसलिए हमारा यह त्रिपुरा में शुगर का ये सब वायरस भी मिला था, इसलिए शुगर का रेट बहुत ही कम हुआ है। तो कम होने के बाद हम लोग इस साल 2021 में मेरा बहुत लॉस हुआ था। वो सुदीप दादा के साथ मिलने के बाद सुदीप दादा PNB के ब्रांच से तो मेरा कुछ खाने पीने के लिए और एक ओडी लाया था जहाँ 45 लाख से। तो अभी अच्छा चल रहा है और पिछले साल 2022-23 में मेरे त्रिपुरा में 3 करोड़ का सप्लाई भी दिया था मेरा फार्म से, और बहुत ही अच्छा है। और अभी मेरा फार्म में करीब हज़ार की छोटा बड़ा मिलकर है, और 250 से ज़्यादा मादा है, फैटनर भी है 200+ जो मीट के लिए बोल रहा है। तो अच्छा है, फार्म चल रहा है। और इसके और साथ क्या क्या है आपके साथ? मेरा पहले तो फिक फार्म शुरू किया था, इसके बाद में और भी फार्म जैसे फिशरी से मेरा पास अभी 15 कानी फिशरी है। तो गॉट है, गॉट अभी ज़्यादा नहीं है, 30 है ऐसा ही है। तो ये है दास जी के इस सुनियोजित फार्म के पीछे बहुत ही अहम भूमिका है यहाँ के KVK की भी। आइए इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुँचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से राज्य सरकारों के नियंत्रण में 38 कृषि विज्ञान केंद्र ICAR संस्थानों के तहत 66, NGO के तहत 103, कृषि विश्वविद्यालयों के तहत 506, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के तहत 3, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत 3, डीम्ड विश्वविद्यालयों के तहत 7 और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के तहत 5 है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भागीदारी करके किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। किसान सीधे तौर पर भी कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन ले रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी। ये हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण त्रिपुरा जो है, ये हम लोग का ICAR का अंडर में आता है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नाम से जो परिचित है वो ICAR का अंडर का KVK है। और हम लोग के जो नॉर्थ ईस्ट का जो ICAR का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र का KVK है। हम लोग बाकी जितना देश में जितना भी KVK है वो KVK जैसा ही हम लोग काम करते हैं। मेन टारगेट है टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डेमोस्ट्रेशन फॉर इट्स एप्लीकेशन जो है, और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, ये सब का प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, ये सब भी आता है। इसको छोड़ के भी हम लोग एक्चुअली ये KVK में एक रिसोर्स सेंटर और नॉलेज सेंटर जैसा हम लोग काम करते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट पे करीबन नियरली लगभग 38% जैसा ट्राइबल पॉपुलेशन है, और नियरली 5 लाख जैसा हम लोग का पॉपुलेशन है ये डिस्ट्रिक्ट में। और ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो KVK कैंपस है, हम लोग का इंस्ट्रक्शनल फार्म है उस साइड में, वो फार्म एरिया 12.7 हेक्टर एरिया लेके ये फार्म है। तो हम पहले बताया कि हम लोग बाकी KVK जैसा टेक्नोलॉजी असेसमेंट डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग या प्रशिक्षण ये सब मामले हम लोग काम करते हैं, और साथ में एक
रिसोर्स सेंटर और नॉलेज सेंटर का हिसाब से ये केवी के बहुत अच्छा से हम लोग एक्चुअली फार्मर्स के साथ बहुत कोर्डियली काम कर रहे हैं। और सबसे ये जो रिसोर्स सेंटर का एक कॉन्सेप्ट जो है ना, हम लोग फार्मर को इनपुट जैसे कि प्लांटिंग मटेरियल, सीड मटेरियल, बहुत बढ़िया सा नया जो अच्छा प्रजाति का सीड, ये सब दे के भी हम लोग फार्मर के साथ बहुत बढ़िया से कनेक्टिंग होके हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ये लास्ट एक दो साल में हम लोग जो केबीके का जो वर्किंग पैटर्न है, इसमें हम लोग क्या किया कि हम लोग इनकम और न्यूट्रिशन, ये दो एस्पेक्ट का ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे कि हम लोग भारत सरकार के तरफ से भी ये दो चीज़ को इनकम डबल करना है, इसके ऊपर हम लोग लास्ट फ्रॉम 2018 बहुत काम किया। और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम लोग का केबीके का अंडर में हम लोग 114 सक्सेस स्टोरी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, जो फार्मर्स का इनकम डबल हो गया, इसके ऊपर भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन किया है। और ये छोड़ के हम लोग न्यूट्रिशन जो है, ये एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। उसमें आ रहा है आपका बायोफोर्टिफाइड राइस और फिश एक्चुअली मेन फूड आइटम है ये डिस्ट्रिक्ट का, और जिसके कारण ये डिस्ट्रिक्ट में राइस फिश ये सब के ऊपर, स्पेशली बायोफोर्टिफाइड राइस वेराइटीज, मेज, ये सब के ऊपर भी हम लोग बहुत सारा काम किए हैं या फार्मर्स लोगों के साथ। हम लोग का जो दक्षिण त्रिपुरा केबीके है कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें और एक इम्पोर्टेंट एरिया है हम लोग जिसमें काम किया, वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है उसमें एक साथ बहुत सारा फार्मिंग सिस्टम को इकट्ठा करके उसमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। एक है कि कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाता है, और एक साइड में हम लोग का इनकम जो है उसका भी फायदेमंद होता है। और हम लोग लाइफ स्टॉक और फिशरीज, ये दो चीज़ के ऊपर एक्चुअली हम लोग का दक्षिण त्रिपुरा में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि लाइफ स्टॉक और फिशरीज इनकम जनरेशन के लिए, और हमने पहले भी बोला इनकम और न्यूट्रिशन, ये दो एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी इनकम जनरेशन के लिए लाइफ स्टॉक और फिशरीज इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये त्रिपुरा में फिश का प्राइस जो है ना, पर के जी फिश आपका 300-400 इवन 1200 रुपीज़ तक भी फिश है हम लोग का यहाँ पर। सो ये एक इनकम जनरेटिंग एंटरप्राइज है फिशरीज। इसके बाद हम लोग का लाइफ स्टॉक हो गया, पिगरी का बहुत अच्छा डिमांड है, डेयरी का बहुत अच्छा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है। ये सब दिशा में भी हम लोग किसानों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम लोग साउथ त्रिपुरा के एवीके का तरफ से ट्राइबल सब प्लान के अंडर ट्राइबल एरिया 6-7 ट्राइबल विलेजेस है जिसमें हम लोग काम किया है। इस एपिसोड में आपने जाना कि कैसे किसान या पशुपालक अपनी कड़ी मेहनत से अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं और जीवन के नए रंगों का अनुभव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर आपके पास भी है कोई ऐसी दास्तान तो हमसे साझा कीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप पत्र भी भेज सकते हैं। पता है हमारा, सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान।
कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे पीकू, क्या चले ऐसी जगह जहाँ हो पानी, हो हरियाली, ना हो सूखे पेड़ों की डाली और हो सूरज की जहाँ रोशनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं चलते हैं। जल घर घर लाना है, देश को सजग बनाना है। अरे वाह पीकू, तुम बड़ी समझदार हो गई हो। हर शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। फंडू फीचर फिल्म्स में 15 सितंबर शुक्रवार रात 9 बजे फिल्म बादल सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पिछले कई दशकों से भारत के हर प्रांत के हर एक परिवार को प्रेम की डोर में बांधता, देश के हर पर्व, हर त्योहार, हर प्रथा को मनाता, हर भारतीय के दिल में बसा। परिवार जोड़े, देश जोड़े, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल, डीडी नेशनल। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ओ आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले, गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले, बांध कफन जब घर से निकले बलिदानी की राहों पर, झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गर्व भरा दिल आँखों से छलकता है, गर्व भरा दिल आँखों से छलकता है। सिक्किम की वादियाँ बुलाती है हमें। देखिए सिक्किम की कहानियाँ प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बदलते भारत की शान।